दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने नथिंग कंपनी के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं कि नथिंग जो कंपनी है दोस्तों, वो वन प्लस के को फाउंडर यानी एक्स को फाउंडर मिस्टर कार्ल पी के तरफ से स्थापित की हुई कंपनी है। अब अभी तक मार्केट में दोस्तों इसका कोई भी प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ना तो कोई भी कंपनी के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था अभी तक इस न्यूज़ के पहले। अब अभी जो है दोस्तों, वो रूमर्स काफ़ी तेज़ हो गए हैं और कंपनी के तरफ से भी कुछ कुछ लीक्स बाहर आए हैं कि नथिंग जो है वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट वर्ल्ड में लॉन्च करने वाली है दोस्तों, जो कि उसका एक एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड होने वाला है। अब अगर देखा जाए दोस्तों इस ईयरबड की कॉस्टिंग की, तो ये $99 तकरीबन 7,500 के आसपास की ये मार्केट में लॉन्च होगा दोस्तों। और इसका लॉन्च जो है वो ग्लोबली मार्केट में होने वाला है, जो कि UK, इंडिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में होगा। अब इसके अलावा बाकी सारे कंट्रीज में कब तक जाएगा इसकी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इंडिया में आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। कोई भी अपना फर्स्ट प्रोडक्ट डेब्यू कर रहा है इंडिया में। और इसका जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो July 27th को होने वाला है। अब इसकी कुछ खास बात यह है कि पहले तो ये दिखने में काफ़ी अलग है दोस्तों, जो हम रेगुलर ईयरबड्स के यूज़ टू हो चुके हैं, जो स्टेम वाले हैं या फिर जो इन ईयर वाले होते हैं, उससे ये काफ़ी अलग है। पहला तो ये दोस्तों काफ़ी ट्रांसपेरेंट है ये, और इसमें 3 माइक्रोफोन इंडिविजुअल ईयरबड्स में यूज़ किए जाएंगे फॉर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब दोस्तों इस प्राइस रेंज में भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के ईयरबड्स आते हैं जो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि साउंडकोर लिबर्टी एयर 2 प्रो है, अमेजोन का सेकेंड जनरेशन का इको बर्ड्स है, पिक्सल का ए सीरीज़ है, दैन आपका लिबर्टी का ही एयर 1 भी आता है। तो वो सब दोस्तों काफ़ी एक हायर प्राइस रेंज में आते हैं। और एप्पल एयरपॉड्स तो दोस्तों वो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ही, जो कि $250 से ही स्टार्ट होता है, तो वो सबके बस में है भी नहीं। बट दोस्तों मुझे ये नथिंग का ईयरबड जो है काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर ये इस डिज़ाइन में लॉन्च होता है। बट देखते हैं दोस्तों इस पे कस्टमर्स का ओपिनियन क्या रहता है, कस्टमर्स का थॉट क्या रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मिक्स एंड मैच इस डिज़ाइन पे आने वाले हैं ओपिनियन कस्टमर्स के। अब देखने में तो मुझे उतना अर्गोनॉमिक नहीं लग रहा है, बट ये एक र्यूमर्ड इमेज है, ये फाइनल इमेज है भी नहीं, बट अगर ऐसा होता है तो भी अच्छा होगा दोस्तों। आपका क्या ख्याल है इस टाइप के ईयरबड्स का, आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। आपको अगर याद होगा कि एसेंशियल फ़ोन यानी एसेंशियल कंपनी का एक फ़ोन आया था, एसेंशियल PH1 2014-15 के आसपास, तो उस समय ये फ़ोन काफ़ी तहलका मचाया था। बट एक फ़ोन के बाद कंपनी ने सेकेंड जनरेशन का फ़ोन कभी लॉन्च ही नहीं किया, और फर्स्ट फ़ोन पर ही वो रह गई और 2020 में उसे बंद कर दिया गया। तो नथिंग ने जो है दोस्तों वो एसेंशियल फ़ोन को भी एक्वायर कर लिया है। अब कार्ल पी का इस पे कहना है कि उन्हें एसेंशियल में कुछ नहीं करना है, बट एसेंशियल उनका पहला प्रपोज नेम था, बट उससे पहले ही एक और कंपनी ने उसे लॉन्च कर दिया था। गूगल के जो एक्स एम्प्लॉय एंडी रूबिन थे, उन्होंने एसेंशियल कंपनी को लॉन्च किया था, तो इसे भी अब नथिंग ने एक्वायर कर लिया है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में नथिंग की तरफ से हमें और क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर ऐसे र्यूमर्स वो लोग देते रहे, बीच बीच में टीज करते रहे, तो डेफिनेटली उनकी कंपनी हाइप मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। और आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस ईयरबड के बारे में, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।